बर्फबारी के बाद मौसम खुलते ही हिमाचल के पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ देखी जाने लगी है। बर्फ से नहाए पहाड़ों को देखने दूर दूर से सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से हिमाचल सैलानियों की पहली पसंद है। शिमला और डलहौजी जैसे शहर जिन्हें ब्रिटानिया हुकूमत ने बसाया था, आज भी उनकी यादें दिलाते हैं। तो चंबा, मनाली और मणिकरण हिंदू और सिख धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। छुट्टियों के चलते भी सैलानी ताजा पड़ी बर्फ को देखने पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला, मनाली जैसे शहरों में होटलों की बुकिंग में भी इजाफा हुआ है। व्यवसायिक और पर्यटन की दृष्टि से सैलानियों के द्वारा उनके लिए आमदन के अच्छे संकेत हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए पहाड़ों पर घूमने का यह सबसे बेहतर मौसम होता है। ताजा बर्फबारी से हर तरफ सफेद बर्फ देखने को मिलती है। अधिकतर लोग मई जून की चिलचिलाती गर्मी से आराम पाने के लिए बर्फीले पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन उन दिनों बेतहाशा पर्यटक आने से माहौल प्रकृति सा नहीं लगता। बेशक इस समय अधिकतर सड़कें बंद हैं, परंतु मनाली, डलहौजी और शिमला के आसपास सभी क्षेत्र घूमने के लिए खुले हैं। ताजा पड़ी बर्फ और खिली धूप के बीच सैलानी इस मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मनाली को पहली बार आया, बहुत एक्साइटमेंट हुआ, स्नो पॉइंट, फ्रीडम वी पॉइंट और फूड भी बहुत अच्छा था और सब लोग बहुत एंजॉय किया। उनको मालूम हुआ कि ये भीम का पत्नी का मंदिर है और ये मेरे ख्याल से तो पूरा इंडिया में भीम का पत्नी का मंदिर नहीं है, एक ही चाहिए शिमला मनाली में, और बहुत अच्छा है। आपने कोई मुराद मांगी, कोई आपने प्रेयर किया? किया था एक्चुअली, हमारे सब लोग स्टूडेंट जो है अच्छा पास होकर जीत में ऊपर तक, बहुत ऊपर तक आना बोल के हम सोच रहे हैं। से हमारा कॉलेज एसएसआईटी है, हम लोग टूर पे आए थे यहाँ पर और हमारे 50 मेंबर्स के बैच आए थे। यहाँ पे स्नो पॉइंट्स और हडिम्बा टेम्पल और वशिष्ठ वैली है, सब कुछ बहुत 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 अच्छे थे। और ये टेम्पल जो आप देख रहे हैं 1553 में बनाया गया था और इतने पुराने टेम्पल है और इसका व्यू, ये सब कुछ इतना अच्छा था कि सब लोग इसको देखना चाहिए।